हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ऑन पेज नंबर 25. योर पैराग्राफ इज शी सेड रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर इट इज़ नॉट फेयर इजेंट going to help in 2 minutes he will be frying his feet on that road what he needs is a pair of chappals so where do we get them come let's search the house he pushed mridu and meena into the house yes देखो हमने इससे पहले वीडियो में लास्ट में हमने किया था कि जो बैगर है उसको चप्पल चाहिए थी पहनने के लिए उसके पैरों में ब्लिस्टर्स थे छाले पड़ गए थे तो जितने भी बच्चे थे वो देख के बहुत ज़्यादा उन्हें बैगर के ऊपर पिटी फील हो रहा था मीन्स दया आ रही थी कि इसके लिए हम चप्पल अरेंज कर सकें तो यहाँ पर रवि क्या कह रहा है आई एम थिंकिंग अबाउट इट मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि उसको चप्पल मिल जाए ब्लबरिंग मीन्स रोने से कुछ नहीं होगा इट इज़ नॉट फेयर ये सही नहीं है इजेंट गोइंग टू हेल्प क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड 2 मिनट के अंदर जो उसके फीट हैं वो फ्राई हो जाएंगे भुन जाएंगे उस रोड पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स उसे क्या चाहिए उसको पेयर ऑफ चप्पल्स चाहिए तो उसे एक जोड़ी चप्पल चाहिए थी सो वेयर डू वी गेट दम तो वो कहाँ से आएगी कम लेट सर्च द हाउस तो यहाँ पे रवि क्या कहता है चलो घर में ढूंढते हैं चप्पल ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस वो मीना और मृदु को पुश करते हुए मीन्स अंदर खींचते हुए ले जाता है घर में जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरेंडा मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड रवि शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज जैसे ही उन्होंने वेरेंडा में मतलब जो घर में वेरेंडा बना होता है थोड़ा सा स्पेस होता है बालकोनी टाइप होता है ठीक है तो यहाँ पे उसने स्टेप रखे जैसे उन लोगों उसने कदम रखे मीना ने तो वहाँ पे मृदु ने जैसे ही स्टेप अंदर रखे तो मृदु की जो नज़र थी वो एकदम से पुराने टाइप की चप्पल्स पे या कह सकते हो कि जो देखने में बहुत ही ऑड लुकिंग लग रही थी उन पे गिरी शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड रवि शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज तो उसने नोटिस किया कि जब मैं आई थी तो मैंने ये चप्पल देखी थी उस टाइम पे जब मैं घर में आई थी शुरू में रवि शी विस्पर्ड टू हिम अब जो रवि है अब जो वो लड़की है मीन्स जो मृदु है वो रवि के कान में कुछ विस्पर करने लग जाते हैं मीन्स फुसफुसाने लग जाते हैं धीरे से बोलते हैं हुज आर दोज ये किसकी चप्पल्स हैं रवि टर्न्ड एंड ग्लेज्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स रवि एकदम से टर्न करता है और देखता है उन शैबी लुकिंग कह सकते हो जो धब्बी सी चप्पल थी उनकी तरफ देखता है बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स लेकिन वो बहुत ही सॉलिड लग रही थी जो पुरानी सी चप्पल्स थी ही बीम्ड एंड नोडेड वो थोड़ा सा झुकता है और सिर हिलाता है देयर आर दीज आर जस्ट द राइट साइज़ यही बिल्कुल राइट साइज़ है उस बैगर के लिए ही सैट पिकिंग दैम अप तो वो कहता है कि चलो ये चप्पल हम ले लेते हैं और बैगर को दे देते हैं मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन मृदु और मीना जो है उसको फॉलो करते हैं लेकिन थोड़े से नर्वस होते हैं घबराए हुए होते हैं और दोबारा से गार्डन की तरफ मतलब पीछे गार्डन की तरफ जाते हैं हेयर सैट रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन वियर दीज एंड डोंट कम बैक अब यहाँ पे जो रवि हैं वो बैगर को कहता है हेयर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन कि ये जो बूढ़ा आदमी है इसको ये स्लीपर्स दे दो यहाँ पे वियर दीज एंड डोंट कम बैक वियर दीज इनको पहन लो और यहाँ दोबारा कभी मत आना द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स जो बैगर है वो बहुत ही ज़्यादा घूर के दिखता है उन चप्पल्स को हरिडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर अब देखो वो जल्दी से जो उसका टावल था जो उसने नीचे
बिछाया था मीन्स उस जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था छाँव में, तो फटाफट अपना मतलब वो टावल जो है अपने शोल्डर पे डालता है और पुश्ड हिज फीट इनटू देम और जल्दी से वो चप्पल पहनता है एंड लेफ्ट और वहाँ से निकलता है मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन और बहुत सारे आशीर्वाद ब्लेसिंग्स उन बच्चों को दे के जाता है क्योंकि उसके जो पैर थे वो चप्पल ना होने की वजह से उसके पैरों में छाले थे और अब उसे चप्पल मिलती है तो इससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। दैट्स वाई ही ब्लेस द चिल्ड्रन। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट और वो एक मिनट के अंदर ही वो चप्पल लेके वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे भी दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया, वहाँ से वैनिश हो गया। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। अब जो म्यूज़िक मास्टर है वो घर से बाहर आता है एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। अब देखो यहाँ पे ट्री के नीचे बच्चे जो थे मार्बल्स खेल रहे थे मीन्स कंचे खेल रहे थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे और म्यूज़िक मास्टर जब घर से बाहर निकल के आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अनएप्रिशिएटिव लुक मतलब कह सकते हो कि एक नाराज़गी उसको नाराज़ था, वो नाराज़ था क्योंकि पता नहीं अब देखो आगे पता चलेगा वो क्यों नाराज़ था, ऐसे मतलब ऐसी अनएप्रिशिएटिव लुक से क्यों देख रहा था उन तीनों को, उन तीनों बच्चों को। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा। अब वो अपने चप्पल्स ढूंढता है वेरेंडा में, वेयर ही हैड पुट देम जहाँ पे उसने वो निकाली थी। लाली ही कॉल्ड। अब वो बोलता है कि लाली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स मतलब कुछ मोमेंट्स के बाद बोलता है लाली जो कि उसकी क्या थी, उसकी स्टूडेंट थी मीन्स उससे म्यूज़िक सीख रही थी। शी हर्ड अप टू हिम तो वो बिल्कुल जल्दी से आती है अपने मास्टर के पास। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। अब वो कहते हैं कि क्या तुमने देखी है मेरी चप्पल्स, देखी तुमने बेटा। आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट दैम हेयर मुझे अच्छे से याद है मैंने यही निकाली थी वे चप्पल। रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा। अब यहाँ पर देखो जो रवि मृदु और मीना है बिल्कुल चुपचाप लाली को वॉच आउट कर रहे थे, देख रहे थे बिल्कुल साइलेंटली मीन्स उन्हें पता था चप्पल कहाँ गई हैं तो, लेकिन वो तो चुपचाप थे नहीं तो फिर उन्हें बहुत डांट पड़ती। और जो म्यूज़िक मास्टर है वो वेरेंडा के हर एक कॉर्नर में चप्पल ढूंढ रहा था। ही स्कर्ड अराउंड और वो चारों ओर देखता है लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर भी मतलब उससे ऊपर भी झाँक के देखता है। क्रोचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन दैम और जहाँ पर फ्लावर पोट्स लगे हुए थे वहाँ उनके बीच में जो स्पेस था थोड़ा थोड़ा उनके बीच में भी जाके वो देखता है झुक के। क्रॉचिंग मीन्स नीचे की तरफ झुक के देखना। ब्रांड न्यू देवर और क्या बोलते हैं कि उनका बिल्कुल न्यू ब्रांड था। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। मैं उनको कहाँ से लाया था, माउंट रोड से लाया था, पूरा मतलब माउंट रोड पे ढूंढ के उनको लेके आया था। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस डू यू नो मतलब उसको पूरे मंथ की जो फीस मिलती थी उस फीस मतलब इतनी कॉस्ट थी उसकी उन चप्पल्स की, क्या तुम जानते हो मतलब इस तरह से जो मास्टर है वो सब कहता है बच्चों को। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर। अब जल्दी से जो लाली है वो जाती है अंदर और सारी बात अपनी माँ को बताती है। रुकुमनी अपीयर लुकिंग हार्श विद पाती फॉलोइंग हर। अब जो रुकुमनी है वो आती है और बहुत ही मतलब मतलब बहुत ही गुस्से में भी होती है और पाती जो है उसको फॉलो करते हुए उसके साथ ही आती है। वेयर कुड दे बी कहाँ गए वे, कहाँ मतलब उसकी चप्पल कहाँ गई, कहाँ जा सकती हैं आपकी चप्पल क्योंकि आपने जब सुबह यहाँ निकाली थी तो यही होनी चाहिए थी। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, हो सकता है किसी ने चुरा ली हो। सो मैनी विंडोज कम टू द डोर वर्ड पाती। अब जो पाती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही होती है कि बहुत सारे ऐसे वेंडोर्स होते हैं जो आते हैं इनके दरवाजे पे मीन्स बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं तो शायद कोई उठा के ले गया हो। रुकुमनी कोट साइट ऑफ रवि मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब जो रुकुमनी है वो पकड़ती है सारे बच्चों को जो कि ट्री के नीचे बैठ के मार्बल खेल रहे थे मीन्स रवि मृदु और मीना, और लाली जो थी वो तो म्यूज़िक सीख रही थी अपने मास्टर के साथ। हैव यू चिल्ड्रन शी बिगेन एंड देन सीइंग देवर क्यूरियसली क्वाइट वांट ऑन मोर स्लोली। अब देखो
यहाँ पे रुकुमनी आती है और बच्चों से पूछती है क्या तुमने, मतलब एक क्यूरियोसिटी थी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शांत थे वे, मतलब बिल्कुल सुन थे, बिल्कुल शांत थे वे बच्चे, एक वर्ड भी नहीं बोल रहे थे जब उनसे पूछा जाता है। रुकुमनी पूछती है कि क्या आप लोगों ने चप्पल्स देखी हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते, वेंट ऑन मोर स्लोली और बहुत ही धीरे धीरे चल के आती हैं। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा, और देखते हैं घूम के कि कहीं किसी को, मतलब वेरेंडा में वो शायद मतलब वेरेंडा में घूमते हुए देखा उन्होंने तो, बट वो बिल्कुल ही चुप थे, कुछ आंसर ही नहीं दे रहे थे। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और उनकी आईब्रोज के बीच में लाइंस बन गई थी, मतलब थोड़े से वे भी एकदम से टेंस हो गए थे। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और दूसरी बात क्या थी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट टाइट, एकदम उनके फेस एकदम टाइट हो गए थे। वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट, और जबकि इसकी जगह पे पहले क्या होता था, वो बहुत ही सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ उनका दिखता था, इतने प्यारे बच्चे लगते थे वो, और अब कैसे दिख रहे हैं, बहुत ही हार्ड दिख रहे हैं। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी को बहुत गुस्सा आता है। थॉट मृदु विद अ शिवर, और मृदु जो है वो सोच के ही उसको बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो जाती है, कपकपी चढ़ जाती है कि अब तो भाई रुकुमनी को गुस्सा आ गया है, अब तो वो छोड़ेगी नहीं किसी को। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। अब देखो यहाँ पे शी वुड नॉट बी सो अपसेट, वो इतनी ज़्यादा अपसेट नहीं थी। इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर, अगर उसे उस बेचारे पुअर गरीब बैगर के बारे में पता चल गया होता, उसके फीट्स के जो जख्म थे, सोर्स मीन्स जख्म जो घाव थे, अगर वो उसको पता चल गया होता तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, तो वो कोशिश कर रही थी अपने आप को बताने, मतलब अपने आप को समझाने की, बताने की। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, अब यहाँ पे वो एक डीप ब्रेथ लेती हैं, सांस लेती हैं। शी क्राइड, और चिल्लाते हैं रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हेयर, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर, यहाँ पे बैगर था, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और सबसे बेकार बात क्या थी कि उसकी फीट पे बॉयल्स थे, ठीक है। सो सैड रुकुमनी ग्रीमली, इसीलिए जो रुकुमनी है वो कहती है बहुत ही हार्डनेस के साथ, कठोर बन के कहती है, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ देखते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू द ओल्ड बैकर हु टर्न्स अप हियर। फिर अब देखो बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम उनके चेहरे मतलब एकदम सीरियस हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, चप्पल्स कहाँ गई। तो रुकुमनी को एकदम से ये ध्यान आता है कि यहाँ पे तो बैगर बैठा हुआ था, तो अब उसे समझ आ गया कि इन बच्चों ने वो चप्पल जो है म्यूज़िक मास्टर की वो बैगर को दे दी, इसीलिए ये सब बच्चे चुप हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, वो कहते हैं रुकुमनी कहते हैं कि अच्छा तुमने म्यूज़िक मास्टर को वो चप्पल दे दी है, म्यूज़िक मास्टर की चप्पल ओल्ड बैगर को दे दी है, हु टर्न्स अप हियर, जो कि यहाँ से चला गया है। चिल्ड्रंस दीज डेज ग्रोन पाते, जो पाती है वो ग्रॉन्ड करते हैं, मीन्स एकदम से बहुत ही गुस्से में गुर्राती है कि तुम तो इन दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉटी हो गए, शरारती, इस तरह से मतलब उसका बिहेवियर हो जाता है। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्न हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, क्या जवाब देते हैं, क्या आप करण के बारे में भूल गई हो, जो आप बताती थी कि उसने अपनी सारी जो मतलब उसके पास जो भी था वो सब उसने दान कर दिया था, उसके जो गोल्ड के इयररिंग्स थे वो भी उसने दे दिए थे, वो इतना ज़्यादा काइंड था, जनरस था, मीन्स इतना दयालु, इतना महान था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, अब रुकुमनी जो है चाटा मारती और कहती है सिली बेवकूफ, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, जो कर्ण है उस वो किसी और की चीज़ें नहीं देता था किसी को दान में, बल्कि वो अपनी खुद की चीज़ें देता था, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। और इन लोगों ने क्या किया था कि म्यूजिक मास्टर की चप्पल उठा के दे दी थी, ना कि अपनी। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, अब रवि जो है जल्दी से एकदम से बोलता है कि लेकिन हमारी मेरी चप्पल तो आ ही नहीं रही थी बैगर के पाँव में, उसके तो फिट ही नहीं आ रही थी। एंड अम्मा If they did fit, would you really not have minded? और फिर क्या कहता है कि और अम्मा अगर वो यदि वो आ भी जाती तो आप क्या रियली में आप बुरा नहीं मानती इस बात का। रवि सैड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट, अब देखो यहाँ पे रुकुमनी क्या कहते हैं, रवि
और गुस्से में थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। कहती है कि एक मिनट के अंदर, इसी मिनट बस अब यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। शी हरिड एंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। अब देखो यहाँ पे रुकुमणि क्या करती है, तेज़ी से अंदर जाती है और ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। गोपू मामा की जो कि कभी कभार पहनी थी उसने, बहुत ही कम पहनी थी, वो न्यू चप्पल्स दे देती है उसको। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन। और क्या कहती है कि ये तुम्हें अच्छे से फिट हो, अच्छे से तुम्हें फिट हो जाएगी और तुम इन्हें पहन लो। मीन्स अब यहाँ पे वो क्या करती हैं, जो मामा की जो चप्पल्स थी वो दे देती है उसे। आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, और सॉरी फील करती है मास्टर से कि मेरे बच्चे बहुत शरारते। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। वो उनको पहन लेता है लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, लेकिन मुझे लग रहा था कि दीज विल हैव टू डू, कि वो काम कर जाएंगे, मीन्स उसके लिए यूज़फुल है। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स व्हाट टू डू। और अब रुकुमणि क्या सोचती है कि इन दिनों ये जो बच्चे हैं इनके दिल में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है अपने बड़ों के लिए, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए इनको सुधारने के लिए। हनुमान इनकैरनेट, अब ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। अब वो मतलब हनुमान जो है, जो दूत हैं, ठीक है, और वो राम के भक्त हैं, तो अब वो उस भगवान को याद करते हैं कि इन शरारती बच्चों से बचाओ हमें। रुकुमणि's आइज फ्लैश, जो रुकुमणि है उसकी आइज जो होती हैं वो फ्लैश हो जाती हैं, मीन्स उसे थोड़ा कम दिखाई देता है अब। शी डिडेंट सीम टू लाइक रवि बींग कॉल्ड अ मंकी इवन अ होली मंकी। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रवि को क्या कहे, एक मंकी कहे या फिर एक होली मंकी कहे। शी मतलब शी, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे जो राम के जो भक्त हैं हनुमान, वो एक मंकी का ही रूप है, तो मंकी की तरह दिखाई देते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी भी हैं और बहुत बड़े भक्त भी हैं राम जी के। तो यहाँ पे जो इसने दानवीरता वाली बात दिखाई है इसमें रवि ने, और साथ में एक नॉटी भी है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शरारती भी है, क्योंकि उसने जो चप्पल्स हैं वो इस तरह से दे दी बिना सोचे समझे कि म्यूज़िक मास्टर के लिए कहाँ से आएंगी चप्पल्स, तो इस तरह से वो बोलती है एक होली मंकी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। अब वो बिल्कुल सीधी, शी स्टूड स्टिफ मीन्स अब वो बिल्कुल एक बुत बन के खड़ी हो जाती है और बिल्कुल फ्रंट डोर के बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और वो अब यही चाहती थी कि मैं जल्दी से रवि को मतलब इग्नोर करके यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि उसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था रवि पे, उसकी हरकत पे, इस वजह से। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridhu, come in and have some tiffin." अब क्या होता है यहाँ पे? When he had clattered off in his new chappals, अब वो उसकी मतलब जो new chappals हैं उसकी जो फड़फड़ाने की जो आवाज़ आ रही थी, she said, वो कहती है मृदु कम इन, मृदु अंदर आ जाओ। मतलब उसको ये लग रहा था कि इसको कितना बड़ा मतलब एक तरह से नुकसान भी हो गया कि उसने बिल्कुल नई चप्पल दे दी म्यूज़िक मास्टर को, और यहाँ पे फिर मृदु को बोलती है अंदर आ जाओ और कुछ मतलब टिफ़िन वगैरह जो है ये ले लो या फिर मतलब कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, कि मीन्स भगवान का शुक्र मनाते कि गोपू मामा ने ये जो चप्पल थी ये ज़्यादा नहीं पहनी थी। एज शी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। अब जैसे ही वो किचन की तरफ जाती है मृदु और मीना के साथ, तो अचानक से वो हंसने लग जाती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। बट वट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग वैन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। मीन्स उसको हंसी किस बात पर आती है कि जब जो गोपू मामा है, जब वो शाम को घर आएंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी जो नई चप्पल है वो म्यूजिक मास्टर को दे दी है, तो वो क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन होगा जब वो फटाफट आके अपने शूज उतारेंगे, सॉक्स उतारेंगे और फिर वो चप्पल्स लेने के लिए, मतलब जैसे ही वो घर में आएंगे और चप्पल्स मतलब चप्पल्स पहनेंगे अपनी, तो
कहाँ से आएंगी चप्पल, तो वो अब ये सोच के हंस रही थी कि वो क्या कहेगा, मतलब क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ योर चैप्टर। तो इसमें देखो कंक्लूजन इस चैप्टर का यही निकलता है कि जो बच्चे हैं वो तो शरारती होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों के मन कितने अच्छे होते हैं, कितने साफ होते हैं कि उन्होंने एक बैगर के बारे में सोचा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये जो चप्पल हैं, ये जो म्यूज़िक मास्टर की चप्पल्स हैं, अगर उसे नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा या कहाँ से उसको चप्पल दी जाएगी। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि जो बेचारा जो बैगर था उसके पाँव में इतने छाले थे तो उसको ये चप्पल्स चाहिए थी, उसको बहुत ज़रूरत थी। तो उनके मन में कितनी मतलब पीटी है उस बैगर के लिए, कितनी दया थी। तो इस तरह से उन्होंने बैगर की हेल्प करी। बट हमेशा आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आप किसी की अगर हेल्प करना चाहते हो तो अगर आप बच्चे हो तो एक बार अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह से कुछ देने के चक्कर में मतलब किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या घर वालों को मतलब ऐसे किसी के सामने मतलब जैसे कि यहाँ पे म्यूज़िक मास्टर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा रुकुमनी को, तो इस तरह से ना फील करना पड़े। तो थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स की तरफ सोच के चलना चाहिए हर किसी को, हर बच्चों को। और जो भी काम करो मतलब अपने पेरेंट्स से उनकी सलाह लेके उनसे पूछ के तब करना चाहिए। बाकी हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ठीक है। और इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस यही बनते हैं कि जो बैगर है उसको चप्पल मिली या नहीं मिली। हाँ, उसको चप्पल मिल गई थी। वो चप्पल किसकी थी? म्यूज़िक मास्टर की थी। और लास्ट में रुकुमणि ने किसकी चप्पल दी म्यूज़िक मास्टर को? वो गोपू मामा की जो न्यू चप्पल्स थी वो दी उसको, ठीक है, जो कि उसने बहुत ही कम पहनी थी। तो बस यही क्वेश्चन बनते हैं आपके इस पार्ट में। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और शॉर्ट में, और बस आपको अब ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। रीड आउट कीजिए इस चैप्टर को, ठीक है। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, देन यू विल आस्क इन कमेंट। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।